देश के दौरे पर निकली प्रतिष्ठित साइंस एक्सप्रेस प्रदर्शनी ट्रेन ने 1,56,000 किलोमीटर का सफर तय कर लिया है। ये ट्रेन लोगों को अब काफी भा रही है। 19 जुलाई को ये ट्रेन मुंबई के शिवाजी महाराज टर्मिनस पहुंची। साइंस एक्सप्रेस एक विशेष रूप से बनाई गई 16 कोचों की वातानुकूलित ट्रेन पर स्थापित एक अभिनव चलनशील प्रदर्शनी है, जो अक्टूबर 2007 से समस्त भारत में भ्रमण कर रही है। इस अद्वितीय प्रदर्शनी की शुरुआत अक्टूबर 2007 में विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के सौजन्य से हुई थी। तब इसने पूरे भारत में 1,56,000 किलोमीटर की यात्रा 8 चरणों में पूरी की थी और 507 जगहों पर प्रदर्शनी लगाई गई। प्रदर्शित ऑन बोर्ड प्रदर्शनी का लक्ष्य समाज के विभिन्न वर्गों में जागरूकता लाना है कि कैसे न्यूनीकरण और अनुकूलता की ओर से जलवायु परिवर्तन से लड़ा जा सकता है। इस गाड़ी में 16 डिब्बे हैं। 12 नंबर का डिब्बा किड जोन के रूप में स्थापित किया गया, जो कि 5वीं तक पढ़ने वाले बच्चों के लिए है। डिब्बों का विवरण संलग्न फाइल के साथ दिया गया है। हमारे मुंबई के बच्चों के लिए एक आकर्षण है, एक आदर्श है और मजा के लिए जाते हैं तो मौज मजा करते हैं, लेकिन यहाँ आने के बाद हम जो पढ़ाई करते हैं उसमें हमारे ज्ञान में और कुछ बढ़ाई मिलेगी और विज्ञान क्या होता है इसकी मुझे जानकारी मिलेगी। छोटे बच्चे आएंगे तो एक अच्छी ये बात है कि हर एक बच्चे को अपना अपने कुछ लगन रहती है, तो यहाँ तो साइंस के जमीन से लेके आकाश तक, वायु से लेके पानी तक सबकी यहाँ पहचान है। अब तक के इसके 1,746 प्रदर्शनी दिनों में 1,68,00,000 से ज्यादा लोगों ने इसे देखा है और अपनी जबरदस्त प्रतिक्रिया भी दी है। इस प्रकार साइंस एक्सप्रेस ने भारत की सबसे बड़ी तथा लंबे समय तक चलने वाली और सबसे ज्यादा लोगों की ओर से देखी गई गतिशील विज्ञान प्रदर्शनी होने का कीर्तिमान स्थापित किया। साइंस एक्सप्रेस सबसे लंबी, सबसे अधिक लंबे समय तक चलने वाली और सबसे अधिक देखे जाने वाली मोबाइल साइंस प्रदर्शनी है। लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में इसकी 12 बार एंट्री दर्ज है। कुशल पाटिल, APN, मुंबई।